Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone, this is Shagufta. Today I am going to teach you 14th class of word. So let's start. देखिए मैंने shapes तक आपको पढ़ा दिया था word में. आज मैं आपको smart art बताऊंगी और इससे आगे की option continue करूंगी. देखिए smart art में कुछ बने बनाए graphical shapes आ रहे हैं. आपको अपने काम से related चाहिए, फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं इन्हें, जैसे साइंस वगैरह में होते हैं सिलसिलेवार. देखिए कुछ भी आपको बनाना है, जैसे आपने जो है लिखा कि भाई मेट्रो की ब्रांचेस हैं, अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में किस किस जगह है, इस तरह से आपको शो करना है. अपने काम से रिलेटेड जिस किस्म का भी आपको चार्ट चाहिए, जैसे जैसे मैंने ये वाला चार्ट ले लिया, जिससे भी रिलेटेड चाहिए. अब देखिए कुछ चार्ट ऐसे जैसे पिक्चर भी लगा सकते हैं, तो मैंने ये ऐसे ही चार्ट की टाइप ली जैसे पिक्चर भी लगा सकते हैं. आप अगर ऐसा चार्ट लेना चाह रहे हैं कि जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना है आपको अपने काम से रिलेटेड, तो आप वैसा चार्ट भी ले सकते हैं. ठीक है जी, अब इसमें पिक्चर लगानी है, आप क्लिक करेंगे, आप पिक्चर लगा सकते हैं. पिक्चर पे क्लिक किया, जिसमें पिक्चर की फैसिलिटी है तो उसमें पिक्चर आएगी. अब अगर आपने चार्ट की टाइप ऐसे ली है जिसमें पिक्चर नहीं आ रही है, तो फिर उसमें जाहिर बात है कि आप क्लिक करने से भी पिक्चर नहीं आएगी. तो ये बने बनाए ग्राफिकल चार्ट है, आपको अपने काम से रिलेटेड लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं. देखिए आपको पिक्चर लगानी है, देखिए मैंने इसमें पिक्चर लगा दी. जैसे भी पिक्चर लगानी है आपको, जहां जहां पिक्चर लगानी है, क्लिक करते जाए और इस तरह पिक्चर लगा सकते हैं आप. अच्छा जी, अब देखिए इसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये मूव अप है, ये मूव डाउन है. अब ये देखिए ये जो है चेंज हो रहा है, मतलब कि आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा ये इतने ज़रूरी ऑप्शन नहीं है. अब चार्ट की टाइप चेंज करनी है, आप चार्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं. देखिए ठीक है जी. अच्छा, यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं. अच्छा ठीक है. अच्छा, इंसर्ट में दोबारा गए हम, चार्ट आ रहा है. चार्ट आपको अपने काम से रिलेटेड चार्ट बनाना है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ. काम से रिलेटेड आपको चार्ट चाहिए, कोई भी चार्ट हो, चाहे वो सेल का चार्ट हो या मैच स्कोर का चार्ट हो, ग्राफ हो, तो आप चार्ट बना सकते हैं. आप चार्ट की जो भी टाइप चाहिए, देखिए इसमें एक्सेल ओपन हो जाएगा, आपको जो भी ग्राफ बनाना है. फर्ज करें मुझे कॉलम वाला चार्ट ही चाहिए. देखिए पाए है, एरिया है, रेंडर लाइन से चार्ट की टाइप सारी आप क्लिक करेंगे तो बता भी देगा कि आपकी चार्ट की टाइप इस तरह से आएगी. ठीक है, मैंने कॉलम स्टाइल चार्ट लिया. कॉलम स्टाइल में भी चार्ट देखिए डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, आपको जैसा स्टाइल लेना है. आपने ओके किया, अब देखिए आपने जैसे ही ओके किया तो अब ये जो है ये एक्सेल ओपन हो गया है. अब आपने एक्सेल में जिस टाइप के भी जो है चार्ट बनाने हो, जैसे कि मैंने अगर यहाँ लिखा, सब्जेक्ट चार्ट बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसका अच्छा, इसमें जो है आप नाम भी लिख सकते हैं. अब यहाँ मैंने जो है इस नाम लिख दिए, सब्जेक्ट्स के नेम लिख दिए, और यहाँ मैं वैसे नाम लिख रही हूँ जिनके नंबर्स हैं. ठीक है जी. अब देखिए मैंने इनके मार्क्स शो किए, तो इस तरह से आप जो है ये चार्ट बना सकते हैं. किसी भी टाइप का चार्ट बना लें आप, तो ये ग्राफ की सूरत में उसके नंबर दिखाता जाएगा.
ठीक है जी। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने देखिए चार्ट में जो है क्या कहते हैं डिफरेंस मैंने नाम लिखे, तो ये देखिए नाम इधर आ गए ये। और अब इसके अलावा मैंने बताया कि उर्दू इंग्लिश मैथ तीन सब्जेक्ट के जो है ना मैंने मार्क्स लिखे, तो सबके ये मार्क्स का अलग अलग ना बता रहा है कि किस में जो है कितने मार्क्स हैं। अब देखिए ये हिना के हैं, हिना के जो है उर्दू में 74 हैं, तो ये ब्लू से 74 का बता रहा है देखिए। और इंग्लिश में 65 है इनके, तो ये इंग्लिश में देखिए 65 की रेंज में जो है ये इसका बता रहा है ये। तो ये इस तरह से जो है ये बताएगा। आप चार्ट की टाइप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, देखिए ये चार्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं, ग्राफ आ रहे हैं इस तरह से आप, ये देखिए डेटा लेबल्स आ रहा है आपको जिस तरह से भी। देखिए इस पे नंबर की सूरत में बताएगा कि भाई इनके इतने 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 नंबर्स हैं, तो जिस तरह से भी आपको चार्ट की टाइप चाहिए आप उस तरह से चार्ट की टाइप ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन आ रहा है, इसको डिलीट कर देती हूँ मैं सिलेक्ट करके। स्क्रीन शॉट आ रहा है, आपको अपने काम का स्क्रीन शॉट लेना है तो आपने जो भी काम किया हुआ है उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। कैसे, स्क्रीन शॉट में जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक करेंगे, और स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक करने के बाद आप देखिए मैंने यहाँ इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो मैं इसका ले सकती हूँ। अगर आपने वर्ड पर काम किया हुआ होगा तो वो उसका स्क्रीन शॉट आ जाएगा, ये देखिए। जहाँ का भी आपको स्क्रीन शॉट चाहिए आप इस तरह से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन वीडियो, अगर आपको कोई इंटरनेट से ऑनलाइन वीडियो लानी है तो आप यहाँ से ला सकते हैं। हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, हाइपरलिंक क्या होता है कि अगर आपने अपना काम किया हुआ, पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, आपको अपने काम का लिंक करना है किसी दूसरी फाइल के साथ, अब वो वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो, किसी भी दूसरी फाइल से, अगर वो फाइल जो है किसी भी सॉफ्टवेयर की हो या इसी सॉफ्टवेयर की, तो आप क्लिक करेंगे और उससे लिंक बना सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक में गया, हाइपरलिंक में जाने के बाद मैंने फर्स्ट करें ये एक्सेल की फाइल से लिंक करना है, मैंने एक्सेल की फाइल सिलेक्ट की, ओके कर दिया। अब देखिए अब हम इस पर माउस की पॉइंटिंग डिवाइस लेके जा रहे हैं, तो ये बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोविंग लिंक, मतलब कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक से आप एक बार क्लिक कर दें तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। हमने कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक एक साथ प्रेस करके क्लिक किया और यस क्लिक किया, तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल की फ़ाइल हमारी ओपन हो गई। तो किसी भी दूसरी फाइल से आप लिंक करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक। अब अगर आपको उसके लिंक को ख़त्म करना है दोबारा से सिलेक्ट करके और इधर जाके आप क्या कर देंगे, रिमूव लिंक, तो ये लिंक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, बुकमार्क आ रहा है। बुकमार्क का ऑप्शन किस लिए होता है, अगर आपने डिफरेंट पेजेस पर काम किया हुआ है, आप अपने काम पर निशानी लगाना चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम इस पेज पर मुझे मज़ीद वर्किंग करनी है, जैसे आप बुक्स वगैरह में भी निशानी लगा के रख देते हैं, बुक फोल्ड करके रख देते हैं पेजेस के, भाई नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ से मज़ीद काम करना है, तो इसमें क्या होगा, पहले तो मैं अलग अलग पेजेस पर काम करती हूँ ताकि आपको इजीली ये ऑप्शन समझ में आए, ठीक है जी। तो जिस पेज पर भी आपको जो है ना निशानी लगानी है तो आप बुकमार्क की मदद से निशानी लगा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ कोई शेप वगैरह भी ड्रॉ कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है शेप को सिर्फ निशानी लगाने के लिए होता है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। देखिए फर्ज करें इस पेज पर मुझे जो है ना
निशानी लगानी है, मार्क लगाना है, तो मैं यहाँ कर्सर रखूँगी, बुक मार्क में जाऊँगी और कोई भी नाम दूँगी इसे और ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब जब मुझे ये निशानी जो है ना लेके आनी है, फ़र्ज़ करें मेरी ये फ़ाइल सेफ है, पता नहीं मैंने किस पेज पर निशानी लगानी है, सॉरी लगाई है, तो अब मुझे वो लेके आनी है, तो मैं क्या करूँगी, बुक मार्क में जाऊँगी, इस निशानी को सिलेक्ट करूँगी और गो टू कर दूँगी। ठीक है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में हम क्या करते हैं, एक पेज से लिंक बनाते हैं दूसरे पेज का। अब ये लिंक बनाने के लिए भी ना कुछ सोर्सेज दरकार होती हैं, बगैर सोर्सेज के क्रॉस रेफरेंस आपका नहीं बनता। ठीक है जी, मैं एक न्यू पेज लेती हूँ। अच्छा, जैसे कि अगर मैं पहले पेज पर लिख रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरा कर्सर जंप कर जाए उसी से रिलेटेड है 10वें पेज पर भी, तो ये जो है इसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, लिंक बनाने पड़ेंगे, और इस लिंक के लिए कुछ सोर्सेस होती है। तो अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंट पेजेस पर काम कर लेते, ताकि जब मैं कर्सर मूव हो तो आपको पता चले। अच्छा जी, अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया कि इसको बनाने के लिए कुछ सोर्सेज दरकार होती हैं। मैंने देखी डिफरेंट पेजेस पर काम किया हुआ है, अब इस सोर्स के बगैर हमारा क्रॉस रेफरेंस यानी एक पेज से पेज का लिंक नहीं बनता। तो अभी जिस सोर्स के थ्रू हम आपको क्रॉस रेफरेंस बनाना बता रहे हैं, वो है रेफरेंस में फुट नोट। फुट नोट की मदद से हम कमेंट्स देते हैं, फुट यानी नीचे का हिस्सा पेज के एंड पर। मैंने कमेंट ये एक वर्ड सिलेक्ट किया, फुट नोट में गई और फुटनोट में जाने के बाद मैंने जो है कमेंट दे दिया। मैंने अब ये हमारे सोर्स जो है रेडी कर ली, जिसके थ्रू हमें क्रॉस रेफरेंस बनाना है। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट पेज से उस थर्ड पेज का लिंक करना है, तो मैंने कर्सर यहाँ रखा, और यहाँ रखने के बाद इंसर्ट में गई, फुट सॉरी क्रॉस रेफरेंस में गई। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद मैंने कौन सी मेरी सोर्स है, फुटनोट, देखिए गलत सोर्स होगी तो ये ऑन ही नहीं होगा ऑप्शन, हमारी सोर्स से आपको सोर्स याद रखनी, फुट नोट मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। आप देखिए इस पे कर्सर लेकर गई, ये बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो अवे लिंक, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट क्लिक की मैंने। ठीक है जी, अभी देखिए थर्ड पेज पर आ गया। तो एक पेज से दूसरे पेज का लिंक बनाने के लिए होता है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है कि किसी भी वर्ड्स के लिए अगर हमें कमेंट्स देने हैं तो आप सिलेक्ट करें और कमेंट्स दे सकते हैं। जब आप फिर उस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये कमेंट्स शो भी करेगा कि ये इतने टाइम पर और इस दिन ये कमेंट दिए गए हैं और क्या दिए गए हैं वो भी शो करेगा ये। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के ऑप्शंस बताऊंगी। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।